नमस्ते, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट्स या फिर भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं, इसका हम कॉन्सेप्ट इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई लोहे का टुकड़ा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर उसे सप्लाई दी जाएगी तो वो मूवमेंट करना चालू करेगा। मूवमेंट करेगा तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारा कंडक्टर होता है बहुत देर तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करता रहता है, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी कुछ हाई करंट फ्लो होते हैं जिनकी वजह से ये गर्म हो जाता है। तो ये हाई करंट जो होते हैं वो पानी में जो हमारे कई बार ऐसा होता है कि जो तूफान आता है या फिर जो बवंडर आता है उसमें जो हमारे भंवर होते हैं उसकी तरह होता है, तो इसलिए इसे हम एडी करंट बोलते हैं। तो एडी करंट की वैल्यू होती है WE = ETA BMAX² F² T² W, जहाँ पर F = फ्रिक्वेंसी, B = मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, T = थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड V = वॉल्यूम ऑफ क्राउड। तो एडी करंट्स के कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, जैसे कि इसका यूज़ हम डेड बीट कैल्विनोमीटर में कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में कर सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस में कर सकते हैं और डैम्पर या फिर मैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस द एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स को बिल्कुल जीरो तक ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इनको हम एक लेवल तक बहुत कम कर सकते हैं। यदि हम मान लीजिए कोई कोर है, अगर कोर की जो हमारे प्लेट्स हैं, प्लेट्स की मोटाई अगर हम कम कर देंगे और उनके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि जो करंट को फ्लो करने का पाथ होगा वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर पाथ लंबा होगा तो इससे क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसे हम एक लिमिट तक एडी करंट्स की वैल्यू कम कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।